क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में पोटेंशियोमीटर की हेल्प से लैग्रांजी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बैटरी एलिमिनेटर रियोस्टेट की K1 और ये पोटेंशियोमीटर HRV हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो सेल के शंट में लगेगा, सेल के पैडल में लगेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पे K2 की है जो HRV हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जोकी है। जोकी से डिफ्लेक्शन देखेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आ रहे हैं तो सर्किट क्या प्रॉपर है। ये चेक करेंगे सर्किट का कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। तो एक बार बी पॉइंट पे टच करेंगे, एक बार ए पॉइंट पे टच करेंगे पोटेंशियोमीटर के। डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आया और अगला डिफ्लेक्शन राइट में आना चाहिए, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है तो कनेक्शंस आर प्रॉपर। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ज़ीरो, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। K1 की से जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो L1 आएगी और K2 की से जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो आएगी L2। फिर जो भी L1, L2 और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे, R = L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये आप देख सकते हो ये बैलेंसिंग लेंथ है जहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ रहा है इसमें। तो ये 10 मीटर का वायर होता है इसमें, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी लेंथ होती है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो आना चाहिए। वैसे मीटर ब्रिज पे ही काम करता है, इट बिहेव एज अ मीटर ब्रिज। वैसे इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 10 मीटर का वायर होता है और मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर होता है। ये जो कि ये K2 की, ये गैल्वेनोमीटर, ये डिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, ये राइट में डिफ्लेक्शन। तो ये काफ़ी इजी प्रैक्टिकल है।